असद है ये जाने बतूल है, ये बागे पंजतन के ताज़ा फूल है। मिलता है शजरा ख्वाजा का खैरुल अनाम से, बेशक मुइनुद्दीन तो आले रसूल है। सामईन, आज हम जिस अजीम तरीन शख्सियत की दास्तान यानी सवाने हयात बयान करने जा रहे हैं, वो बड़ी ही अजीम और बाबरकत शख्सियत है, जिनके दरबार में अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, सिख या ईसाई, सभी ने अपनी मुराद पाई। जिसने भी यहां अपना दामन फैलाया वो कभी मायूस नहीं लौटा। या गरीब नवाज, आपके दर पर आकर कोई खाली हाथ नहीं जाता, मेरी भी खाली झोली भर दो, मेरी मुराद भी पूरी कर दो, मेरे आंगन में भी खुशियों के फूल खिला दो, मेरे सोने आंचल को भी ममता के रंग से रंग दो गरीब नवाज, रंग दो। या गरीब नवाज, मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, कोई दवा असर नहीं कर रही है, मुझ बीमार को भी अच्छा कर दो गरीब नवाज, अच्छा कर दो गरीब नवाज, गरीब नवाज। या गरीब नवाज, मेरे शोहर को रोज़गार दिला दो, घर के हालात बहुत ख़राब हैं, मेरे शोहर को रोज़गार दिला दो गरीब नवाज, रोज़गार दिला दो गरीब नवाज, गरीब नवाज। या गौसुल आज़म दस्तगीर, या गौसुल आज़म दस्तगीर, मेरी बच्चियों की शादियां करा दो, मेरी लाज रख लो, मेरी मदद करो, मेरी इज्जत रखो। सुना है तुम्हारे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, या गौसुल आज़म दस्तगीर, मेरी मुराद भी पूरी कर दो ख्वाजा, मेरी मुराद भी पूरी कर दो, मेरी मुराद भी पूरी कर दो। यहाँ सभी अपना दामन फैलाए उस गरीब नवाज को पुकार रहे हैं, जिन्हें पर्दा किए हुए बरसों गुजर चुके हैं। ये वही गरीब नवाज हैं जिनकी सारी जिंदगी की कमाई दौलत हक और सच्चाई की रोशनी से जलता हुआ वो चिराग है, जो आज भी भटके हुए लोगों को उनकी मंजिल का पता देता है। और मुसाफिर आपके मजार शरीफ पर आते ही, मंजिल का पता पाते ही, रो रो कर यही कहते हुए नजर आते हैं। ये आले मोहम्मद हैं, निस्बत का सिला देंगे, ये आले मोहम्मद हैं, निस्बत का सिला देंगे, ओ, 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 ये आले
हस्ती से सिवा देंगे। तू मांग तो ख्वाजा से हस्ती से सिवा देंगे। गरीब नवाज एक ऐसे फकीर गुजरे हैं जिनकी कब्र पर हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने सर झुकाकर बाप बनने की फरियाद की है। शहंशाह जहांगीर ने इस मजार की कदम बोसी की है, शाहजहां ने चूमा है, औरंगजेब ने माथा टेक कर अकीदत भरी सलामी पेश की है। ये वो फकीर है जिनके मजार पर गुरु नानक देव जी ने अपनी अकीदत के फूल चढ़ाए हैं। जयपुर के महाराजा जय सिंह ने इसी मजार के कटहरे की मरम्मत कराई है। रियासत डकिया के महाराजा गोविंद सिंह ने ख्वाजा के मजार पर चादर चढ़ाकर मुराद मांगी और मुराद पाई है। महाराजा सर किशन प्रसाद मजार पर मोड़ छल छलने की खिदमत बजा लाए हैं। महात्मा गांधी ने इस मजार के दीदार किए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हीं गरीब नवाज के मजार पर अकीदत भरी कव्वालियां सुनी हैं। ख्वाजा मेरा माई है ख्वाजा, 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 ख्वाजा मेरा माई है ख्वाजा। ओ सरकार तो आलम की उम्मत अल्लाह को सबसे प्यारी है, जो फैज मदीने से जारी अजमेर में भी वो जारी है। ख्वाजा के वसीले हमने ईमान की दौलत पाई है, तैमा में अगर है बाग इरम अजमेर में उसकी क्यारी है। ख्वाजा मेरा माही है ख्वाजा, ख्वाजा मेरा माही है ख्वाजा, ख्वाजा मेरा माही है ख्वाजा, ख्वाजा मेरा माही है ख्वाजा। ये वो पाकीज़ा निस्बत है मौला तक जिसकी रसाई है, ये वो पाकीज़ा निस्बत, ये वो पाकीज़ा निस्बत, ये वो पाकीज़ा निस्बत, ये वो पाकीज़ा निस्बत है मौला तक जिसकी रसाई है। इस वास्ते ही इस चौकट की मखलूक खुदा शहदाई है, ख्वाजा के वसीले से हमने ईमान की दौलत पाई है, ख्वाजा के वसीले से हमने ईमान की दौलत पाई है। इस हिंद में ख्वाजा ने आकर रहमत की गदा बरसाई है। ये वही गरीब नवाज हैं जिनके मजार पर पहुंचकर आजाद हिंदुस्तान के सबसे पहले जनरल जनरल करियप्पा ने सैल्यूट किया है। गरीबों को नवाजने वाले गरीब नवाज दुख दर्द मुसीबतों और आफतों में फंसे हुए इंसानों का बेड़ा पार लगाने वाले गरीब नवाज, ये वही गरीब नवाज हैं जिन्हें सारी दुनिया हजरत ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्ला अलैह के नाम से पुकारती है। मोईन आपका नाम है, खिदमत आपका काम है, तौहीद आपका पैगाम है, इश्क आपका जाम है, फैज आपका आम है, आप रहमत ही रहमत हैं, रहमत ही रहमत। यहीं पर मिटता है,
हमारे जो कब्रें करते थे वो हम न यहाँ ठुकते देखे, मिसमार जो कब्रें करते थे वो हम न यहाँ ठुकते देखे। कितनी ही सदियां बीत गई अल्लाह वालों के मदफन पर, सूरज चंदा तारे मौसम और शाम सहर रुकते देखे। पंद्रह मार्च 1136 यानी 530 हिजरी बरोज यकशंबा आपकी विलादत हुई, यानी आप दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी पैदाइश इफशहान में हुई। ये जगह संजर के नाम से भी मशहूर है। आपके वालिद माजिद का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन है। ख्वाजा गयासुद्दीन का ताल्लुक रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली अलैहिस्सलाम के खानदान से है। हजरत अली अलैहिस्सलाम के नूर नजर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख्वाजा गरीब नवाज को बहुत अजीज थे। शाह अर्श्त हुसैन, बादशाह अर्श्त हुसैन, दीन अर्श्त हुसैन, दीन बला अर्श्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्ता किबला ला इलाह अस्त हुसैन। हुसैन शाह हैं, हुसैन बादशाह हैं, हुसैन दीन हैं, और दीन को बुलंदी देने वाले भी हुसैन हैं। हुसैन ने दीन की हिफाजत के लिए अपना सर यजीद के हाथों कटने दिया, लेकिन यजीद जैसे गुमराह के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। ये रुबाई इमाम हुसैन की शान में गरीब नवाज ने लिखी थी। गरीब नवाज के मजार पर आने वाले की नजर सबसे पहले आपके फाटक पर खुदी इस रुबाई पर पड़ती है। गरीब नवाज अपने मिजाज में संजीदगी अपनी पैदाइश से ही लेकर आए थे, और उनकी करामत भी उन्हीं के साथ पैदा हुई थी। एक बचपन का वाकया। गरीब नवाज 2 या 2.5 साल के रहे होंगे। आपके घर में एक औरत आपकी ही उम्र के एक बच्चे को लेकर आई। बच्चा कुछ देर के बाद रोने लगा। आपने इस छोटी सी उम्र में अपने नन्हे नन्हे इशारों से अपनी वालिदा से इस छोटे से बच्चे को दूध पिलाने को कहा, और जब ये बच्चा इनकी वालिदा का दूध हुमक हुमक कर पी रहा था तो आपका चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठा। इस वाकये से साफ जाहिर होता है के गरीब नवाज के दिल में सखावत और खिदमत खल्क की किरणें बचपन से ही फूटना शुरू हो चुकी थी। एक और बचपन का वाकया। अब आप 5 या 6 साल के रहे होंगे कि ईद आई। ईदगाह जाते वक्त आपके साथ के बच्चों पर जब आपकी नजर पड़ी तो महसूस किया कि कुछ बच्चे गरीबी की वजह से ईदगाह तो जा रहे हैं लेकिन बड़े मायूस मायूस से। आप उन बच्चों को अपने घर ले आए। अपनी वालिदा से उन बच्चों को अच्छे अच्छे खाने खिलवाए और अच्छे कपड़े पहनने को दिलवाए। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे खाने खाकर
खुशी से खेलने लगे। मायूस बच्चों के खिले हुए चेहरों को देखकर आप भी बहुत खुश हुए। गरीब नवाज की परवरिश ख्वासान में हुई, क्योंकि आपके वालिदे माजिद खुद एक बहुत बड़े आलिम थे। घर पर आपने तालीम अपने वालिद से पाई और थोड़े से ही वक्त में आपने बहुत काफी इल्म हासिल कर लिया। इसका सबूत है कि 9 साल के कम उम्र में आपको पूरा कुरान शरीफ जबानी याद हो गया था। गरीब नवाज 7 साल के थे कि वालिदा का साया सर से उठ गया और 15 साल की उम्र में ही शफीक बाप के साए से भी महरूम हो गए। गरीब नवाज फकीरों, सूफियों, दरवेशों को हमेशा अजीज रखते, औलिया अल्लाह की खिदमत और इज्जत व एहतराम करने में आप एक अजीब सी खुशी महसूस करते थे। आपकी जिंदगी की काया पलट हजरत इब्राहिम कंदूरी की वजह से हुई। 544 हिजरी, उम्र 15 साल। हर रोज की तरह गरीब नवाज अपने बाग में पानी दे रहे थे कि एक मज़ज़ूब नाम इब्राहिम कंदूरी बिना किसी इत्तला के आपके बाग में तशरीफ ले आए। गरीब नवाज आपको देखते ही फौरन आपकी खिदमत गुजारी में लग गए और अपने बाग से एक अंगूर का गुच्छा तोड़ के हजरत इब्राहिम कंदूरी की खिदमत में पेश किया। हजरत इब्राहिम ने गरीब नवाज के चेहरे पर नजर डालते ही उनकी पेशानी पढ़ ली और इस सच्ची खिदमत के जज्बे को देखकर यकीन कर लिया कि ये लड़का जो आज इस बाग को पानी दे रहा है, कल यही सारी दुनिया के बाग को पानी देगा और जो भी इसके हाथ से मोहब्बत और शफकत का जाम पिएगा वो अल्लाह से प्यार करेगा। सच क्या है वो जानेगा। मज़ज़ूब हजरत कंदूरी ने एक खली का टुकड़ा अपनी झोली से निकाला, अपने मुंह से चबाया और गरीब नवाज को खिला दिया। हजरत कंदूरी जा चुके थे और गरीब नवाज की जिंदगी नई करवट ले चुकी थी। आपने अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस की। आपको दुनियावी मोहब्बत हीच नजर आने लगी। आपने अपनी रोजी रोटी का सहारा, अपना बाग और अपनी पंचक्की फौरन बेच दी और सारा पैसा गरीब गुरबा जरूरतमंदों में बांट दिया और खुद तलाश हक यानी सच क्या है, सच्चाई क्या है, इसकी तलाश में निकल पड़े। सबसे पहले खुराशां, फिर समरकंद और बुखारा तशरीफ ले गए। यहां सन 1150 यानी 544 हिजरी से सन 1155 यानी 550 हिजरी तक कयाम रहा। यहां पर आपने मौलाना हुसामुद्दीन बुखारी रहमतुल्ला अलैह और मौलाना शरफुद्दीन साहब शरउल इस्लाम जैसी जलीलुल कद्र हस्तियों और मशहूर आलिमों से इल्म की और दौलत हासिल की। समरकंद बुखारा से आप इराक, अरब, खारून और फिर बगदाद तशरीफ ले गए। 550 हिजरी यानी सन 1155 में
बगदाद में पहली बार आपने हजरत गौस पाक के दीदार किए, उनसे मुलाकात की। हजरत गौस पाक ने गरीब नवाज को देखते ही फरमाया था, दुनिया में बहुत से लोग इससे अपनी मंजिल का रास्ता पाएंगे और अल्लाह से प्यार करने वाली ऐसी जलील कद्र हस्तियों के मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी गलत नहीं होते। ये अल्फाज कल भी सच थे और आज भी सच हैं। गरीब नवाज की चौखट पे आने वाला मंजिल पाता है, तभी तो दिल से ये आवाज निकलती है। सभी को देते हैं मुफलिस हो या राजा महाराजा, सभी को देते हैं मुफलिस हो या राजा महाराजा, सभी को देते हैं मुफलिस हो या राजा महाराजा। दयालु है मेरे बाजा, 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 दयालु है मेरे बाजा। गरीब नवाज ने अपने शाम पहुंचने का वाकया कुछ इस तरह से फरमाया है, मैं एक बार एक शहर में पहुंचा, वो शहर साइन के नजदीक है। यहां एक बुजुर्ग अहद मोहम्मद अल वाहिद गजनबी एक गार यानी एक गुफा में रहते थे। बहुत लागर और कमजोर एक लबादे में बैठे थे और दो शेर उनके सामने खड़े थे। गरीब नवाज ने अपने मन ही मन में फरमाया, ऐ बुजुर्ग, मेरा दिल तड़प रहा है कि मैं आपके पास हाजिर होकर आपकी कदम बोसी करूं, लेकिन दो दो शेरों को आपके पास खड़ा देखकर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, मैं कैसे आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कि अचानक उन बुजुर्ग की नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने फरमाया, आओ हमारे पास आ जाओ, डरो नहीं, तुम अगर किसी को तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं करोगे तो तुम्हें भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, तुम्हारा भी कभी कोई नुकसान नहीं होगा। ये शेर क्या चीज है, जो अल्लाह से डरता है उससे सब डरते हैं। और ये हकीकत है, गरीब नवाज पे अल्लाह का खौफ इस कदर तारी रहता कि आप नमाज में हमेशा रोते और कांपते थे, और अल्लाह हमेशा अपने कर्म की बौछार करता रहा। तभी तो कुछ लोग गरीब नवाज को यूं भी याद करते हैं। लगन लगी, लगन लगी, लगन लगी मोहे ख्वाजा से, लगन लगी, लगन लगी, लगन लगी, लगन लगी, लगन लगी मोहे ख्वाजा से, लगन लगी, लगन लगी, लगन लगी मोहे ख्वाजा से, लगन लगी, लगन लगी, लगन लगी, लगन लगी, लगन लगी मोहे ख्वाजा से, नाद न से नाला से, नाद न से नाला से, नाद न से नाला से, ना परजा से ना राजा से, लगन लगी मोहे ख्वाजा से। रही मैं अपने बस में, अब न रही मैं अपने बस में, ख्वाजा ख्वाजा है नस नस में, ख्वाजा ख्वाजा है नस नस में,
पैया परूं मैं, काहे किसी के पैया परूं मैं। ये है निस्बत, ये है अकीदत, ये है निस्बत, ये है अकीदत। दास की महाराजा से लगन लगी मुहे ख्वाजा से, लगन लगी, लगन लगी, लगन लगी, लगन लगी। ये शान, ये रुतबा गरीब नवाज को ऐसे ही नहीं मिला। पूरे 20 साल तक गरीब नवाज ने अपने पीरो मुर्शद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत की है। हमेशा सफर के दौरान अपने पीरो मुर्शद का जामे ख्वाब और तोशाए सफर अपने सर के ऊपर लिए रहते। गरीब नवाज अपने पीर मुर्शद ख्वाजा हारूनी के साथ बगदाद से रवाना हुए, फारूजा होते हुए मक्के मौज़मा तशरीफ ले आए। खाना काबा में आपके पीर मुर्शद ने आपके लिए दुआ फरमाई और गैब से आवाज आई, हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया। गरीब नवाज फिर मदीने मुनव्वरा में तशरीफ लाए, हरम नबवी में हाजिर हुए। पीरो मुर्शद ने आपसे फरमाया, सलाम पेश करो। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुद शाह बर्रो बहर। ये आवाज सुनकर आपके पीरो मुर्शिद ने गरीब नवाज से फरमाया, अब तो दर्जाए कमाल को पहुंच गया मोइनुद्दीन। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीर से रुखसत हुए और बुखारा, बदख्शां, हीरात होते हुए सब्जवार पहुंचे। फिर इश्फहान में शेख महमूद इश्फहानी से मिले। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मुरीद किया और उनके साथ मक्के मौज़मा पहुंचे। हज करने के बाद मदीने मुनव्वरा में आए, यहां आपको दरबारे रिसालत में बशारत हुई। ऐ मोइनुद्दीन, तू मेरे दीन का मोइन है, हमने तुम्हें वलीउल हिंद का खिताब दिया है। तुम अजमेर जाओ और दीन हक की शमा को रोशन करो। और गरीब नवाज आदम की फैलाई हुई नस्ल इंसानी के गुमराह और भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए अजमेर की तरफ चल पड़े। ये हकीकत है कि आज भी दुनिया में हाबील और काबील जैसे इंसान मौजूद हैं। हाबील और काबील हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। काबील ने हाबील को मार डाला क्योंकि शैतान अल्लाह से कह चुका है कि मैं आदम की औलाद को हमेशा बुराई और गुमराही के रास्ते पर लेकर चलूंगा, और ये काम शैतान आज भी अंजाम पहुंचा रहा है। लेकिन हक और सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों का शैतान बाल भी बीका नहीं कर सकता। मजहब कोई भी हो, अगर इंसान इंसानियत के साथ हक और सच्चाई की राह पर है तो शैतान अपनी हार मानकर अपना रास्ता खुद बदल लेता है। गरीब नवाज ने अजमेर पहुंचकर हर मजहब के लोगों को सही राह पर चलने की सीख दी। तलवार की धार से नहीं, चीखो पुकार से नहीं, जर्रो जवाहर का लालच देकर नहीं, प्यार मोहब्बत की बौछार से।
یہی ہوتی ہے اللہ کے سچے شیدائی کی پہچان۔ تبھی تو اس بے تاج بادشاہ نے اس شان سے سفر کیا ہے، جسم پر جوڑ لگے ہوئے پھٹے پرانے کپڑے، بھوک لگی تو چند قطرے پانی میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھگو کے کھا لیے، کیونکہ لذت دار کھانے اور آرام اور عیش تو دنیاوی ڈھکوسلے ہیں۔ غریب نواز اجمیر میں تشریف لے آئے، لیکن فقیر کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا، اور وہ بھی ایسا فقیر۔ آپ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک پیڑ کے سائے تلے بیٹھے تھے کہ راجہ کے کچھ سپاہی وہاں آئے اور آ کر بولے، ارے کون ہو تم لوگ؟ یہاں کس کی اجازت سے بیٹھے ہو؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اس پیڑ کی چھاؤں میں ہمارے راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں؟ غریب نواز خاموش رہے اور اپنے ساتھیوں سے بھی خاموش رہنے کے لیے کہا۔ پھر سپاہی بولے، کمال ہے، بہرے ہو گئے ہو کیا؟ ارے بھائی سنائی نہیں دیتا ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، تم لوگ یہاں سے ہٹ جاؤ۔ غریب نواز نے آہستہ سے فرمایا، کیوں الجھ رہے ہو؟ اتنا بڑا میدان پڑا ہے، تمہارے راجہ کے اونٹ کسی بھی جگہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس پر سپاہی بولے، نہیں، ہم نے جو کہا ہے وہ کرو، یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں ہمارے راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں یہاں سے اپنے ساتھیوں کو لے کے اٹھ جاتا ہوں، اب یہاں تمہارے راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ چلو بھائیو، کسی ایسی جگہ قیام کیا جائے جہاں کسی کو اعتراض نہ ہو۔ درویشوں کا یہ قافلہ انا ساگر کے کنارے پہنچا، وہیں عبادت اور ریاضت میں رات بشر کی۔ ابھی صبح ہوئی ہی تھی کہ راجہ کے سپاہی وہاں آ پہنچے، اور خواجہ معین الدین چشتی نے جب انہیں پریشان حالات میں دیکھا تو دریافت کیا، کیوں بھائی، کیا ہوا؟ وہ لوگ کہنے لگے، ہم نے آپ کو وہاں سے ہٹا کر اس جگہ پر اونٹ بیٹھا تو دیے اور اونٹ بیٹھ بھی گئے، مگر اب اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، ہم پر کرپا کیجیے، ہمیں شمع کر دیجیے، شمع کر دیجیے مہاراج۔ اس پر خواجہ صاحب نے فرمایا، جاؤ، اونٹ اٹھ جائیں گے۔ اور ساری دنیا نے دیکھا کہ آپ کے ایک ہی اشارے پر اونٹ کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ حضرت معین الدین حسن چشتی کی اجمیر میں آمد کا پہلا معجزہ تھا۔ انا ساگر کی لہروں نے دیکھا کہ کس تیزی سے حضرت کی انسان دوستی اور غریب پروری نے اہل اجمیر کے دلوں کو مسخر کرنا شروع کر دیا تھا۔ دین خداوندی کا کام شروع ہو چکا تھا اور شمع حق روشن ہو چکی تھی۔ اہل شہر کو معلوم ہو چکا تھا کہ انا ساگر کے کنارے ایسے درویشوں اور خدا رشیدہ بزرگوں کا قافلہ خیمہ زن ہے جو انسان کو دکھوں سے نجات دلاتا ہے۔ بے سہاروں کا سہارا اور مایوس دلوں میں امید کے دیے روشن کرتا ہے۔ لوگ ذوق در ذوق وہاں آنے لگے اور حلقہ ارادت میں شامل ہو کر سکون اور طمانینت پانے لگے۔ لیکن اہل شہر میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں یہ باتیں پسند نہیں آئیں۔ انہوں نے راجہ کو برغلانا شروع کر دیا، اور راجہ
उनकी बातों में आ गया और राजा कहने लगा, हमने सुना है कि कुछ फकीर अना सागर के किनारे ठहरे हुए हैं और नगरवासियों को उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्हें फौरन अजमेर से निकाल दिया जाए। सेनापति ने कहा, ठीक है महाराज, मैं अभी कुछ सैनिक भेजकर उन लोगों को शहर से बाहर निकाल देता हूं, आप चिंता ना करें। राजा का हुक्म मिला और एक भीड़ अना सागर की तरफ दौड़ पड़ी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, उस पर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम किया और फिर ये मिट्टी उस हुजूम की तरफ फेंक दी। ये महज खाक नहीं थी बल्कि खाक नशीं दरवेश का एक अदना सा मौजजा थी, जिसके बिखरते ही हुजूम खाक चाटने लगा। कुछ वहीं ढेर हो गए और जो बच गए वो शादी देव की तरफ दौड़ पड़े और उसे सारा माजरा कह सुनाया। शादी देव पहले ही हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती और उनकी शोहरत से जलता था, उसे अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल गया। उसने फौरन अना सागर के किनारे अल्लाह वालों के डेरे का रुख किया, लेकिन वो अपने घमंड में ये भूल गया कि वो किससे टक्कर ले रहा है। शादी देव दनदनाता हुआ हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के रूबरू पहुंचा ही था कि हजरत ने निगाहें उठाकर बस एक नजर उस पर डाली, पत्थर मोम की मानिंद पिघल गया। दुश्मन की दुश्मनी काफूर हो गई। शादी देव का पूरा वजूद खिजा रशीदा शाह की तरह कांपने लगा। वली की निगाहें करम ने गुरूर और घमंड से भरे इंसान को पाकीज़गी अता करके उसे एक अच्छा मुसलमान बना दिया। दर दर भटकने वाले आजा दर ख्वाजा पर, दर दर भटकने वाले आजा दर ख्वाजा पर, आजा दर ख्वाजा ख्वाजा पर, आजा दर ख्वाजा दर ख्वाजा पर, आजा दर ख्वाजा दर ख्वाजा पर, आजा दर ख्वाजा पर। दर ख्वाजा से कोई लौट कर जाता नहीं खाली, दर ख्वाजा से कोई लौट कर जाता नहीं खाली, बना देते हैं सबकी बिगड़ी ये है हिंद के वाली, आजा दर ख्वाजा ऐ निस्बती। ख्वाजा की चौखट पर बहा करता है दरिया फैज का, ख्वाजा की चौखट पर अतीत लेके जो तू ख्वाजा की चौखट पे आएगा, अतीत लेके जो तू ख्वाजा की चौखट पे आएगा, सती के दर से जो भी चाहेगा बेशक वो पल में बना देंगे बिगड़ी को तेरी ख्वाजा, एक पल में बना देंगे बिगड़ी को तेरी ख्वाजा, एक पल में बना। ये और ऐसे ही बहुत से वाकयात की खबरें जब राजा तक पहुंची तो वो सख्त बरहम हुआ। उसने जोगी जयपाल को अपने दरबार में बुलाकर उसे अपनी परेशानियों की वजह बताई। जोगी जयपाल राजा की बात सुनकर बोला, महाराज आप चिंता ना करें, मैं उस पाखंडी और उसके साथियों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेगा महाराज।
महाराज आप केवल इतना करें कि अनासागर झील से उन्हें पानी न मिले महाराज, अर्थात उन पर झील बंद कर दी जाए। फिर तमाशा देखिए महाराज। राजा जयपाल की बात सुनकर खुश हुआ और वो बोला, शाबाश जोगी जयपाल, हम तुम्हारी चतुराई की प्रशंसा करते हैं। तुम्हारा ये सुझाव हमें पसंद आया। हम आज्ञा देते हैं कि उन पाखंडियों पर अनासागर झील का पानी बंद कर दिया जाए। खुदा के चहीते बंदों से कोई बात छुपी नहीं रहती। और फिर मोइनुद्दीन जैसे अल्लाह के नेक बंदे, जिन्हें खुदा ने खुद अपने दीन का मोइन मुकर्रर किया हो, पानी बंद कर देने की बात जब ख्वाजा गरीब नवाज को मालूम हुई तो उन्होंने फरमाया, शादी देव, जोगी जयपाल और राजा के आदमियों ने अनासागर को घेर लिया है ताकि उसके पानी का एक कतरा भी हमें ना मिल सके। किसी तरह तुम्हें एक लोटा पानी अनासागर से भर लाओ। शादी देव सुनते ही खड़ा होकर बोला, पीरो मुर्शिद, आपका हुक्म सरांखों पर। इस काम के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। पीरो मुर्शिद, मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी कि आपने अपने 40 साथियों में से इस काम के लिए सिर्फ मुझे ही चुना। जाओ शादी देव, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जैसे ही शादी देव ने अनासागर के पानी से लोटा भरा, पूरा अनासागर खुश्क हो गया। अनासागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। अहले शहर पानी को तरस गए। प्यास के मारे लोगों का बुरा हाल हो गया। अवाम ने राजा को बुरा कहना शुरू कर दिया। उधर जोगी जयपाल को अपनी हार का एहसास हुआ और वो हजरत मोइनुद्दीन की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर गरीब नवाज से बोला, आप तो दरवेश हैं और दरवेश मखलूक खुदा की हलाकत का सबब नहीं बनते। आप अनासागर को दोबारा पानी से भर दें और मुझसे मुकाबला करें। बेचारी जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है? ख्वाजा साहब ने शादी देव से कहा, शादी देव, जाओ लोटे में भरा हुआ पानी अनासागर में डाल आओ। जो लोग अल्लाह से डरते हैं उन्हें किसी का खौफ नहीं होता। जोगी जयपाल, तू अपना काम कर, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है, वो खुद हमें तेरे शर से बचाएगा। इतना कहकर हजरत गरीब नवाज ने अपने काफिले के चारों तरफ एक घेरा खींच दिया। हजरत की इस करामत का जिक्र हर फर्द की जबान पर था। जयपाल ने अपने जादू के हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। वो जादू के जोर से कभी सांपों की फौज बुलाता, कभी पत्थरों की बारिश करता, कभी पहाड़ों को उलटने की कोशिश करता, मगर गरीब नवाज का खींचा हुआ दायरा उसके हर जादू को बेअसर कर देता। गरज, जयपाल के सारे जादुई हरबे नाकाम साबित हुए और वो अपनी हार पर इस कदर पशिमान हुआ कि अपने जादू के जोर पर आसमान की तरफ परवास कर गया। हजरत गरीब नवाज ने फौरन अपनी जूती को हुक्म दिया कि जा और इस जादूगर को मेरे सामने हाजिर कर। रवायत के मुताबिक कुछ ही देर बाद जोगी जयपाल इस तरह नीचे आता हुआ नजर आया कि हजरत की जूती बराबर उसके सर पर बरस रही थी। नीचे उतरते ही वो हजरत के कदमों में गिर पड़ा
और अपनी गलती की मुआफी मांगने लगा। गरीब नवाज ने उसकी सारी खताएं माफ कर दी और उसे इस्लाम में दाखिल कर लिया। हजरत ने उसका नया नाम अब्दुल्ला बयाबानी रखा और उसके लिए उम्र जावेदानी की दुआ फरमाई। बन जाएगा गनी वो, बन जाएगा वली वो, बन जाएगा गनी वो, बन जाएगा वली वो, बन जाएगा वली वली वो, बन जाएगा वली वली वो, बन जाएगा वली वली वो। इस तरह के बहुत से वाकयात गरीब नवाज के साथ गुजरे और करामात बनकर लोगों की नजर में आए। अल्लाह से सच्चा प्यार करने का हक अमीर को भी है, गरीब को भी, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, छोटे को भी, बड़े को भी। यही है वो राज आपकी मकबूलियत का, यही है वो जीता जागता सबूत। राजा आए चले गए, बादशाह और शहंशाह आए और अपनी दौलत और अपनी तलवारों से लोगों पर अपना हुक्म चलाकर अपने आप का लोहा मनवाया, लेकिन उनकी मौत के बाद सिर्फ कहानियां ही रह गईं, किस्से ही रह गए। लेकिन ये बेताज बादशाह, फकीरों का शहंशाह, आज बरसों के बाद भी लोगों के दिलों में रहता है, जिसे दुनिया गरीब नवाज कहती है। दरबार में ख्वाजा के नादार जो आएंगे, आएंगे दरबार में ख्वाजा के नादार जो आएंगे, आएंगे दरबार में ख्वाजा के नादार जो आएंगे, दरबार में ख्वाजा के नादार जो आएंगे। अहमद के वो प्यारे हैं, अहमद के वो प्यारे हैं, जहरा के दुलारे हैं, जहरा के दुलारे हैं, उनके ही खजानों में, उनके ही खजानों में, दुनिया के नजारों में, दुनिया के नजारों में, विधक के तरानों में, विधक के तरानों में, रंगी सितारों में, रंगी सितारों में डूबते जाएंगे, जाएंगे दरबार में ख्वाजा के नादार जो आएंगे, आएंगे दरबार में ख्वाजा के नादार जो आएंगे। फिर वो वक्त भी आया, गरीब नवाज ने हमेशा के लिए पर्दा कर लिया। लेकिन गरीब नवाज के पर्दा करने के बाद भी करामात का सिलसिला खत्म नहीं हुआ और शायद न कभी खत्म होगा। अकबर आजम ने फतेहगढ़ की जीत के बाद सन 1567 यानी 974 हिजरी में गरीब नवाज के मजार पे एक देग खाना पकाने की चढ़ाई थी, जिसमें एक वक्त में 125 मन खाना पकता था और लोगों को बांटा जाता था। बादशाह जहांगीर ने छोटी देग चढ़ाई
सन 1613 यानी 1022 हिजरी में। इस देग में 80 मन खाना एक वक्त में पकता था। इन दोनों देगों में आज भी खाना पकता है। बड़ी देग के खाने की खूबी काबिले गौर है। 125 मन चावल पक जाते हैं। इन गर्म चावलों की देग में कई आदमी कुछ खास लिबास पहनकर उतरते हैं और बिना जले गरम गरम चावल देग के अंदर खड़े होकर बाहर लोगों को देते हैं। इसे करामत नहीं तो और क्या कहा जाए। एक बार गरीब नवाज के मजार पर उर्स चल रहा था और एक औरत रो रो कर आपके मजार पर कुछ इस तरह बयान कर रही थी। या गरीब नवाज, आपके दर पर आकर कोई खाली हाथ नहीं जाता, मेरी भी खाली झोली भर दो, मेरी मुराद भी पूरी कर दो, मेरे आंगन में भी खुशियों के फूल खिला दो, मेरे सोने आंचल को भी ममता के रंग से रंग दो, रंग दो गरीब नवाज, रंग दो। वक्त पलक झपकते गुजर जाता है। साल गुजरा, गरीब नवाज का मजार अकीदतमंदों की भीड़ से फिर भर गया। भीड़ चाहे जितनी हो लेकिन दरगाह शरीफ पर आकर जब तक रोजे को ना चूमे दिल की प्यास नहीं बुझती। इस भीड़ में वो जोड़ा भी आया है जिसने औलाद मांगी थी और अल्लाह ताला ने गरीब नवाज की दुआ कबूल करके इस जोड़े को औलाद की खुशी दी। और ये दोनों गरीब नवाज का शुक्रिया अदा करने के लिए अपने छोटे से बच्चे को साथ लेकर चादर चढ़ाने के लिए आए। इनके ऊपर गरीब नवाज की इतनी दीवानगी थी, इतनी मोहब्बत थी कि ये अपने नन्हे से बच्चे को लेकर उस भीड़ में फंसते चले गए। कुछ लोगों ने कहा कि तुम इतने से बच्चे को लेकर भीड़ में मत घुसो, तुम्हारे बच्चे की जान भी जा सकती है। और इनकी दीवानगी का आलम यह था, ये कहने लगे हमें ये बच्चा भी तो गरीब नवाज की दुआ से ही मिला है, हम ये चादर अपने बच्चे के हाथ से गरीब नवाज को देंगे। कहाँ मिलेंगे गरीब नवाज, हमें बताइए गरीब नवाज कहाँ मिलेंगे, हम ये चादर अपने बच्चे के हाथ से गरीब नवाज के हाथ में देना चाहते हैं। भीड़ में से लोग हंसने लगे और किसी ने इन दोनों को इस तरह कहते देखकर इनकी हंसी उड़ाई और कह दिया तुम्हें गरीब नवाज से मिलना है ना, जाओ उस तालाब में चले जाओ, वहां मिलेंगे गरीब नवाज। इतना सुनते ही ये दोनों उफ नन्हे से बच्चे के साथ ही उस तालाब में कूद पड़े। इतना देखते ही सब रोने और चिल्लाने लगे। गरीब नवाज की चौखट पर सर रखकर कहने लगे या गरीब नवाज हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई, हमने तुम्हारे चाहने वाले को गलत रास्ता दिखाया गरीब नवाज और वो अपने बच्चे के साथ तालाब में डूब गया। माँ बाप और छोटा सा बच्चा तालाब में। गरीब नवाज माफ कर दो हमें, उन्हें बचा लो गरीब नवाज और हमें माफ कर दो गरीब नवाज, माफ कर दो। थोड़ी ही देर के बाद लोगों ने देखा तो हैरान रह गए, वो दोनों अपने बच्चे के साथ उस गहरे तालाब से ऐसे निकलकर आ रहे थे जैसे नहा कर निकले हों। वो दोनों बाहर आए और आकर लोगों से कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, जो आपने हमें सही जगह भेज दिया, गरीब नवाज से मिलवा दिया आप लोगों ने, उन्होंने खुद अपने हाथों से हमारी चादर कबूल की है, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये करामात नहीं तो और क्या है। जिस गरीब नवाज को 99 नामों से पुकारा जाता हो उस गरीब नवाज का जिक्र छेड़कर खत्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम उनकी जिंदगी के वाकयात और करामात बयान करने से कभी नहीं थकेंगे और सुनने वाले यही चाहेंगे
कि इस फकीर के बारे में बस यूं ही हम सुनते रहें, सुनते रहें। गरीब नवाज डूबने वालों के लिए तिनके का सहारा है, भटके हुए इंसानों को सीधी राह दिखाने वाले खैर खां हैं। उनके मजार पर जलते हुए चराग मायूस जिंदगियों को रोशनी बख्शते हैं। दुख दर्द के बोझ से दबा गमों से चूर चूर इंसान जब ख्वाजा गरीब नवाज के मजार से मन्नत पूरी करने के बाद लौटता है, उस वक्त उसके दिल से एक ही आवाज निकलती है, या ख्वाजा गरीब नवाज, या ख्वाजा गरीब नवाज, या ख्वाजा गरीब नवाज।